मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। डीआईजी छत्रनील सिंह अब हर 3 माह पर रेंज के सभी डीएसपी के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि अपराध पर नकेल लगाने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर बैठक की जाएगी। लूट, डकैती, हत्या, अपहरण आदि बड़े मामलों की समीक्षा होगी। बुधवार को दरभंगा आयुक्त कार्यालय के सभागार में मेडिकल से संबंधित बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा प्रमंडल के सबसे अच्छे कार्ड के लिए वह लोगों को सही जानकारी देकर सेवा की। वैसे चिकित्सक एवं एएनएम आशा को दरभंगा कमिश्नर मयंक बरबड़े द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें कि विगत कई वर्षों से काम चल रहा है, और जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी राष्ट्र में सबसे अधिक है, और कृषि और बाकी रोजगार के साधनों पर प्रेशर पड़ता है। हाई पॉपुलेशन लोग तो 2 या 3 बच्चों के बाद गंगाकरण करा के मेल फीमेल सेलेक्शन करा के परिवार को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है, जिसमें मैं सभी सिविल सर्जन तीनों जिलों के और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब लोगों को, एम्स को, आशा कार्यकर्ता को और बाकी जो फील्ड में काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इत्यादि सब, और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा काम होगा इसमें मिथिलांचल के क्षेत्र में दरभंगा। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर मयंक बरबड़े ने कहा कि अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए गए, लेकिन इस कार्य में सबसे प्रथम में मधुबनी अव्वल रहा, वहीं दरभंगा और समस्तीपुर समान रहा। अपने परफॉर्मेंस मेहनत का ही वार्ड हमको बता रहा है, उसका बहुत कम समय बचा हुआ है, करते करते 25-30 साल हो गया है। बिहार में कई जगह मैंने काम किया, मधेपुरा में भी मैंने काम किया, कई जगह काम किया, यहाँ पर ज़्यादा है वार्ड यही देते हैं कि ज़रा इस काम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल ज़्यादा होगा, देश के हित के लिए अच्छा होगा, और इसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस का जरूरत है, थोड़ा अपना हॉस्पिटल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पब्लिक सेवा काफ़ी ज़्यादा उसको करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिना सेक्रीफाइस। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर बुधवार को दरभंगा शहर में यातायात अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल 11 गाड़ियों से 16,500 रुपया जुर्माना के रूप में वसूल किया गया। यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन ने बताया कि दोनार चौक पर 5 मोटरसाइकिल एवं 1 ट्रैक्टर के अलावा अन्य जगहों से 5 पिकअप वाहन को यातायात नियमों के विरुद्ध वाहन का परिचालन करने के आरोप में जब्त किया गया और उसे जुर्माना के रूप में 16,500 लेने के बाद वाहन मुक्त किया गया। दोनार चौक पर चलाए गए जांच अभियान का नेतृत्व यातायात के आरक्षी उपाध्यक्ष बिरजू पासवान ने किया। जयनंदन ने बताया कि 5 मोटरसाइकिल से 7500 रुपया एवं 1 ट्रैक्टर से 800 और राशि 5 पिकअप वैन से वसूल किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के 23 मई को होने वाले मतगणना को लेकर बुधवार को दरभंगा सिटी एसपी ने कहा कि मतगणना की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। वहीं इसमें 200 से लेकर 250 के करीब लाठी बस शामिल है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। डीएमसीएच के महिला छात्रावास में हुई चाकूबाजी घटना प्रशासनिक चूक का नतीजा है, प्रशासनिक उदासीनता इसका प्रमुख कारण है। डीएमसीएच के पारा मेडिकल के सीनियर छात्राओं ने सोमवार की रात अंतिम वर्ष की छात्रा निशा कुमारी को चाकू से वार कर घायल कर दिया। पीड़िता के दाहिने हाथ में जख्म के निशान है, इतने से उन लोगों का मन नहीं भरा तो गला दबा कर जान से मारने की कोशिश की। छात्रा निशा कुमारी को गले पर एक टाका लगा हुआ है। महिला छात्रावास में ही अन्य 2 छात्राओं की घसीट कर जमकर पिटाई की गई। वो लोग यही चाहती है, उन लोगों का एक ही कहना है कि प्रिंसिपल मेरा है, कॉलेज मेरा है, तुम लोग छोटा कास्ट हो, तुम लोग का कोई कुछ नहीं सुनेगा, ना थाना सुनेगा, ना प्रिंसिपल सुनेगा, ना ऑफिस सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला है। और हम लोग कोई अभी तक निर्णय निकला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशा कुमारी है, ओटी असिस्टेंट है, 15-17 बैच से। वही पीड़ित छात्राओं ने कहा कि पारा मेडिकल 2014-16 बैच की पास आउट जयंती पूजा ने चाकू से वार किया। उसके साथ मधुलिका, सुष्मिता, अर्चना, पूजा, ममता, अमृता, मीना आदि भी थी। चाकू से घायल निशा ने बताया कि सभी एक जाति समूह की है, जाति सूचक शब्द का हमेशा इस्तेमाल कर प्रताड़ित करती रहती थी। इसकी शिकायत कई बार प्रचार से मिलकर की, लेकिन प्रचार ने इस पर कोई सुध नहीं ली।
दबंगई बढ़ती गई। सीनियर छात्राओं ने 20 मई की शाम फिर जाति सूचक शब्दों से पस्तियां कसनी शुरू कर दी। वे लोग शाम में फिर उसकी शिकायत प्रचार से करने लगे। प्रचार ने आश्वासन देकर चरका दिया। जाति सूचक सबका सारी लड़कियां प्रयोग करती है। हम लोग उस हॉस्टल में फिजिकल हॉस्टल में रहते हैं, 3 लड़कियां हैं एससी में, और हम लोग को जाति सूचक दुसार चमार सब कुछ बोला जाता है। इससे पहले भी कंप्लेंट की, प्रिंसिपल ऑफिस में कोई एक्शन नहीं हुआ। कल भी हम सुबह में मॉर्निंग में गए थे कंप्लेंट करने, कुछ एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद शाम में 6:15 बजे के लमसम में इस घटना को लेकर निशा ने यह भी बताया कि 17 दिसंबर को उसका मोबाइल चोरी हो गया था। जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने और मोबाइल चोरी की शिकायत करने पर ही छात्राएं प्रचार के पास पहुंची, लेकिन प्रचार ने इसकी कोई सुध नहीं ली। छात्राओं ने बेटा ओपी को भी जानकारी दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्राएं 10 और 14 मई को फिर से शिकायत करने प्रचार के पास पहुंची। आरोपित छात्राओं ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। 4 दिनों के बाद पुलिस छात्रावास में आकर उन लोगों को ही शिक्षा देने लगी और लौट गए। अंततः सीनियर छात्राओं ने 20 मई को इस घटना का अंजाम दिया। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के सोट गांव पंचायत स्थित मधुबनी टोला में तालाब में डूबने से 2 सगे भाई के डूबने से मौत हो गई। मृतक बालक प्रमोद सहनी के 7 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार व 5 वर्षीय पुत्र इंद्रजीत कुमार के रूप में हुई है पहचान। गाँव के एक पुर्नी पोखर में स्नान करने के दौरान यह हादसा हुआ है। वहीं लोगों का अनुमान है कि तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने के कारण यह हादसा हो गया। गांव के एक किसान अपने मवेशी को नहाने तालाब में गया, जहां उसके पैर तालाब में डूबे उक्त बालक के शव पर पड़े। हालांकि हरलाखी थाना की पुलिस को सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अशोक कुमार दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों बालक के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना शिवधारा स्थित बाजार समिति में निर्मित मतगणना केंद्र में 23 मई को 8 बजे से शुरू होगी। क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना अलग अलग हॉल में करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक हॉल में 14-14 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक चक्र में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 14-14 मतदान केंद्रों के ईवीएम मतगणना केंद्र में लाए जाएंगे और अभ्यर्थी वार्ड डाटा तैयार किया जाएगा। इस डाटा को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कार्ड का ऑन द स्पॉट ट्रायल व ड्राई रन किया गया। ड्राई रन में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं उनके सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी विधानसभा मतगणना कक्ष में जाकर ड्राई रन का अवलोकन किया और संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं कर्मी से ड्राई रन प्रक्रिया के बारे में सवाल जवाब पूछे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं कर्मियों को 22 मई को एक बार पुनः ड्राई रन प्रक्रिया में करने को कहा। ड्राई रन प्रक्रिया में 79 गौड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह DCLR बिरौल राम दुलाराम, 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल प्रदीप कुमार झा, 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम अभिनय भास्कर, 42 दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, 83 दरभंगा ग्रामीण के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला भू अर्जन पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण पांडे एवं 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद एवं सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के सहयोगियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ ड्राई रन प्रक्रिया का संचालन जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा, IT मैनेजर संजय सहनी, IT सहायक पूजा कुमारी ने किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना केंद्र में सभी संसाधन रात्रि तक स्थापित करा लेने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया। 29 मई को MLS महाविद्यालय में महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह को लेकर महाविद्यालय अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने बताया कि पहली बार हो रहे महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह में 100 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह मिथिला यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है। कुल 5 कॉलेजों ने अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें हमारा कॉलेज MLS कॉलेज भी एक है। 29 तारीख को यह दीक्षांत समारोह होगा। इसकी अध्यक्षता करेंगे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह जी, मुख्य अतिथि वही होंगे और हमारे 2 गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा
और प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी जो यहाँ इतिहास के विभाग और हिस्ट्री के वही उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी आवेदन देने वाले छात्र छात्राओं की उपाधि तैयार कर ली गई है और वही अंग वस्त्र भी इस छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित होंगे और मनोवैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और कितने छात्राओं को दी जाएगी? ये करीब 100 छात्र छात्राओं ने अप्लाई किया है, उन सबको हम प्रमाण पत्र देंगे। इस अवसर पर उन्होंने अपना पैसा भी जमा किया है। क्या साफा और पाँच दुपट्टा भी देंगे? हाँ, विश्वविद्यालय के नियमानुसार जो उन्होंने पैसा जमा किया है उन छात्र छात्राओं ने उनको मिलेगा। जो परिधान है कन्वोकेशन का वो मिलेगा। कितने देर का ये प्रोग्राम हो? करीब दो से लेकर ढाई घंटे मिनट मिनट प्रोग्राम हमने भेज दिया है कुलपति महोदय को। 25 मई से लेकर 30 मई तक मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 महाविद्यालयों में पहला महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह इसके लिए भी नियम बने हुए हैं। वे चाहते हैं कि जो प्रत्येक महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह होते हैं उसमें ग्रेजुएशन से ऊपर वाले वर्गों के लिए दीक्षांत समारोह होते हैं जिसमें छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाती है। इसका प्रावधान पहले से ही था, मतलब इंस्टीट्यूट में था, कन्वोकेशन में। जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो दीक्षांत समारोह होगा उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और पीएचडी लेवल पे ही लोगों को डिग्री देते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट होते हैं उनको डिग्री उसमें नहीं दी जाती है। उसके लिए प्रावधान था कि वो अपने संबंधित कॉलेजों में, हर कॉलेज अलग अलग या दो तीन कॉलेज मिल करके एक साथ जो है कन्वोकेशन करा सकते हैं, उसकी अनुमति है उसमें। उस दीक्षांत समारोह में जो कुलपति होगा वो एक तरह से मुख्य। वही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह होंगे, इसमें स्नातक किए हुए छात्र छात्रा को उपाधि दी जाएगी। इस बार पहले 5 महाविद्यालय कर रहे हैं, अगली बार से प्रत्येक महाविद्यालय चाहेंगे तो अपने स्तर से दीक्षांत समारोह कर सकते हैं। समस्याएं आई हुई, समस्या के मूल में क्या है आप सभी लोगों को मालूम है, वो पत्रों में निकल रहा है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और जो घटनाएं हो रही हैं वो विश्वविद्यालय की छवि के अनुकूल नहीं है। जहाँ विश्वविद्यालयों को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय है कई मामलों में, लगभग सभी मामलों में, वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और समाचार माध्यमों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को मालूम होता है कि विश्वविद्यालय में इस तरह का माहौल चल रहा है, बाहर से जो लोग विजिटर आते हैं जब देखते हैं कि इस तरह का माहौल है, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि ध्रुवित हो रही होगी, और छवि ध्रुवित होगी तो विश्वविद्यालय परिवार। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा विश्वविद्यालय में घटित घटना को लेकर छात्रों में जो आक्रोश है उसको व्यक्त करते हुए नाका नंबर 5 पर कुलपति का पुतला दहन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय कुछ दिनों से छात्र संघ अध्यक्ष के पद को लेकर अखाड़ा बना हुआ है। पिछले कई दिनों से कई छात्र संगठन अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ के इस्तीफे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर ना विश्वविद्यालय प्रशासन फैसला ले पाई और ना ही कुलपति के द्वारा बनाए गए विवाद सेल फैसला ले पाया है। इस संदर्भ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मिथिला मंच न्यूज से विशेष वार्ता में कहा है कि कुलानुशासक पर फेंकी गई स्याही बच्चे किस प्रकार का उदाहरण पेश कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। आज वामपंथी छात्र संगठन AISF, ISA, SFI और AIDSO के द्वारा यहां धरना दिया जा रहा है। धरना के द्वारा हम लोग का मांग है, जो लगातार हम लोग पिछले सप्ताह से आंदोलन चला रहे हैं, कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर जो फर्जी छात्र संघ के अध्यक्ष बनी हुई है उसको अविलंब बर्खास्त करें। जिस फर्जी छात्र संगठन पर आरोप भी तय है, तमाम लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति भी इन बातों को जानते हैं कि यह जो छात्र संघ की जो अध्यक्षता है उसका नामांकन फर्जी है, तब पर भी वह संघ के प्रेशर में, भाजपा के दबाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये धारणा के मार्फत से यह मांग कर रहे हैं कि अगर अविलंब उस पर कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य की परंपरा धूमिल हो रही है। वहीं जब पूछा गया कि मंगलवार को जो संगठन पर लाठीचार्ज किया गया है वह किस और संकेत करता है, उन्होंने कहा कि 5 लोगों की टीम बना दी गई है जो जांच कर हमें रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर यह लाठीचार्ज क्यों हुआ और संगठन का क्या उद्देश्य था इस धरना प्रदर्शन के पीछे।
उनके नेतृत्व में कुछ गुंडे जो है इस कैंपस में घुस गए और आंदोलनरत जो छात्र नेता थे उसमें जो है कई छात्र नेताओं पर हमला किया। हमारे एक साथी है साथी अंकित, उनको बुरी तरह जो है पीटा गया उन गुंडों के द्वारा। और इस पूरी जो प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय का प्रोक्टर जो है दोषी पाया गया है। हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि जो फर्जी छात्र संघ है उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए और जो भी इस जो है घटना जो हुई है उसमें जो भी दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वामपंथी छात्र संगठन जो है इस पर जो है जुझारू आंदोलन करेगी और राज्यव्यापी आंदोलन जो है इख्तियार करेगी। मुकुल राज, राज्य सचिव SFIB। मिथिला यूनियन विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आमरण अनशन का दूसरा दिन रहा। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना ने कहा कि हमारे 3 साथी जो कि इस भीषण गर्मी में कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में पूर्व से मांग करते आ रही संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते आ रही बावजूद विश्वविद्यालय हमारी मांग चुप्पी साधे हुए। लगातार 2 साल से पाक चादर को परिधान बनाने के विभिन्न तरीके से आंदोलन कर रही है और अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के माध्यम से आंदोलन कर रही है। छात्र संघ की विभिन्न समस्याएं होती है, जैसे दीक्षांत समारोह में पाल चादर की बराबर ये लोग मांग करते रहे हैं, जिससे पहले भी ज्ञापन देते रहे हैं। राजभवन से स्वीकृत के बाद ही विश्वविद्यालय ड्रेस कोड लागू कर सकती है। ये जब तक लागू नहीं होगा तो विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में विश्वविद्यालय लिखे भी है इसके लिए राजभवन को। विश्वविद्यालय सिंडिकेट से पास कराती है, सिंडिकेट से कभी ये पास नहीं हुआ इसलिए विश्वविद्यालय नहीं भेज सकती। सिंडिकेट से पास कराने के बाद करना होगा। क्या अनुमान लगाते हैं आपके पास चादर का? ये आकर विश्वविद्यालय में संबंधित जो हम लोगों के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वहाँ मांग रखेंगे। जितना भी मसूल इसमें बहुत सारे पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर में साइबर कैफे की व्यवस्था या टोल फ्री नंबर, ये सब बात करने के बाद ही इनको प्रमुखता से कहा जाएगा जो क्या इसमें। वहीं प्रथम स्तरीय वार्ता के क्रम विश्वविद्यालय कुलानुशासक डॉक्टर अजीत चौधरी ने अनशनकारियों से वार्ता करते हुए उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक जाना और उनकी मांगों को कुलपति तक पहुंचाकर शीघ्र निष्पादन कर अनशन समाप्त करवाने की बात कही। 2 साल से लगातार पाग और चादर को शामिल करने के दीक्षांत समारोह में हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार चूड़ी पहन के बैठी हुई है। ना ही हमारी बातों को आगे तक, अगर उनके दायरे से बाहर है तो वो हमारी बातों को आगे तक पहुँचाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। झूठ फूसका सिर्फ हम लोग के साथ, हमारा जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ करने की साजिश रचती है। हम लोग अभी 5 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। सेक्टर सर, डिप्टी प्रॉक्टर सर और कॉलेज के फैकल्टी सर आएंगे। आश्वासन से क्या लग रहा है? आश्वासन से लग रहा है जो सकारात्मक पहल करेंगे ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि ये अभी करके चले गए। अमूमन 2 साल से इस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होती है। बिरौल के गौराबोराम स्थित PSC में प्रसव के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस मौत से मृतक के परिजनों ने PSC में जमकर हंगामा किया। वहीं बड़गांव OP पुलिस के काफी मशक्कत के बाद हंगामा शांत हुआ। मैडम देख के अपना फिर चला गए फिर दर्द होने लगा फिर देखल के मैडम ड्यूटी में कौन एक मोटी करके सीता नाम है और एक प्रीति नाम की NMC। परिजनों ने चिकित्सकों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे का इलाज अच्छे ढंग से नहीं किया गया एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई और एम्बुलेंस चालक रुपए की मांग किया था जिसे नहीं देने पर एम्बुलेंस किसी दूसरे मरीज को इसके घर छोड़ने चला गया, जहां बच्चे की मौत इलाज में देर होने की वजह से हो गई। वही दुनू मैडम था कल के की से नहीं होगा बच्चा, जल्दी दो बॉल दो जल्दी हो जाएगा बच्चा। 3-4 गो सुई दिल का फिर भी नहीं बच्चा उतना बढ़ गया, अंदर जेबे न करे। तो यहाँ रेफर की बात हुई थी, एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं गया? नहीं, पैसा मांगा था? नहीं पैसा, हमसे ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। क्या बोला कि एम्बुलेंस खराब है? खराब है, एम्बुलेंस खराब है, दूसरे से पैसा लेकर के एम्बुलेंस दूसरा को छोड़ने के लिए चला गया। कुशेश्वर क्षेत्र के केवट गामा पंचायत के वार्ड संख्या 1, 5, 8, 10 एवं 11 में 7 सदस्य टीम ने कई योजनाओं का जांच किया।
केवटगामा के पंचायत समिति सदस्य ने सात निश्चय योजना में गड़बड़ी को लेकर अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी बिरौल के लिखित किया था, जिसमें आलोक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा वीडियो को केवटगामा के उक्त वार्डो का परिवादी के समक्ष जांच करने का आदेश दिया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल क्षेत्र के उसरी पंचायत अंतर्गत कोला गांव में बुधवार की सुबह बिजली की शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोला गांव निवासी राम सेवक निषाद के घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें घर में रखे सभी सामान तथा घर जलकर राख हो गया। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीवीडीसी रोड लहरिया सराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से दसवीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द, संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा, 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल।